अरे सुनती हो भाग्यवान, जरा अदरक लहसुन नमक मिर्चे का पेस्ट तो लाना। और पापा उसमें तड़का लगा के पनीर भी डलवा देना, पनीर मसाला बन जाएगा। हाँ हाँ मिश्रा जी, बस अभी अदरक लहसुन का पेस्ट बनवाया है। अरे पापा पोछा लगाया कि नहीं, वरना मिम्मी आपको अभी धोएंगी। हाँ चलिए चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं। दिख नहीं रहा है फोन पे बात कर रहा हूँ, करा दी बेइज्जती मिश्रा जी के सामने। इज्जत कौन सी है ज्यादा आप? Oh, no! अच्छा अच्छा लॉकडाउन चल रहा है, बाप की कोई इज्जत ही नहीं है, औरत घर का झाड़ू पोछा लगवाती है और ये सब लौंडे हमको ताना मारते हैं। अरे पापा वो सब छोड़िए, ये बताइए अदरक लहसुन का पेस्ट क्यों मंगवा रहे हो? अरे अभी मैसेज आया था व्हाट्सएप पे बेटा, इसको 5 बार सुबह और 5 बार शाम को चाटने से कोरोना वायरस मर जाता है। अरे पापा आप किन चक्करों में पड़ रहे हो, यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स अभी तक दवाई नहीं बना पा रहे हैं और आप होगी पेस्ट बनवा रहे हो। बनवाना ही है तो चिकन मसाला बनवाइए, बटर चिकन बनवाइए। तुम दोनों चुप रहो यार। पापा ये सब फेक न्यूज होती हैं, आज वो लोग अदरक लहसुन का पेस्ट बनवा रहे हैं, कल कहेंगे कि लाल मिर्चे का पाउडर आंख में डाल लो, तो क्या डाल लोगे क्या? हाँ हम तो नहीं डालेंगे। अरे तुम 2 मिनट चुप रहो यार। लो एक और मैसेज आ गया कि अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस मैसेज को 15 लोग को भेजो तो कोरोना वायरस नहीं होगा। अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। Oh, no! अरे ये कौन कौन है ऐसा माँ का लाडला जो ऐसे मैसेज भेज रहा है? इसकी माँ का लाडला नहीं हूँ मैं। अरे पापा मैं बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस से आपको कैसे बचना है। देखिए कोई भी पीपल का पेड़ लीजिए और उसको गले लगा लीजिए 10 मिनट तक, कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं सकता। अरे सच है ये? पेपर में आया था? नहीं व्हाट्सएप पे। अरे गुड्डू के पापा पेस्ट बन गया है, चाट लूं उसे? अरे नहीं मम्मी अभी रुको यार। और पापा अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा बस। अरे ऐसे नहीं सावधान होना है पापा। तो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा? मतलब कि थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, जैसे कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर कैसे? सैनिटाइजर को लेके मथे पे लगाना है ऐसे। अच्छा ऐसे ऐसे। अरे नहीं पापा तुम फिर शुरू हो गए यार। सैनिटाइजर को हाथ में लगाते हैं, हाथ में। अच्छा और लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपने हाथ ना ही मुंह में लगाएं और ना ही आंखों में, और समय समय पे अपने हाथ साबुन से या हैंड वॉश से धुलते रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जितना कम हो सके उतना बाहर जाएं, और इन फालतू के व्हाट्सएप मैसेजेस से बचें, और आप खुद भी ये फेक न्यूज़ ना शेयर करें। ठीक है? ठीक है बेटा। हेलो एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर फेवरेट पार्ट। और सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें, जैसा कि आप लोगों को सब पता ही होगा। सो स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।